तो फ्रेंड, तो आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। मैं आ चुका हूँ एक और न्यू वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं कुछ इस प्रकार डार्क ऑरेंज टोन फोटो एडिटिंग। अगर यह वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देख लीजिएगा तो आपको भी कुछ इस प्रकार का पूरा फुल HD क्वालिटी में आपको भी फोटो एडिटिंग करने आ जाएगा। तो गाइस, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इस फोटो को लाइटरूम में शेयर करना है। सो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो दोस्तों, बिना देर के वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने फ़ोन के स्क्रीन पर। सबसे पहले आपको गैलरी को ओपन करना है। गैलरी को ओपन करने के बाद आपको कोई सा भी एक फ़ोटो को ले लेना है जिसको आपको एडिट करना है। चलिए, हम एक फ़ोटो को ले लेते हैं। तो हम इस फोटो को आज एडिट करने वाले हैं। तो इस फोटो को आप एडिट करने के लिए सबसे पहले इस फोटो को आपको शेयर करना होगा लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। चलिए, इस फोटो को हम लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर शेयर करते हैं। शेयर के आइकन पर क्लिक कीजिएगा, आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो आपको लाइट वाले आइकन पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा, आपके सामने कुछ एड टू लाइटरूम, एडिट इन लाइटरूम, तो आपको सेकेंड वाले ऑप्शन पर एडिट इन लाइटरूम पर क्लिक करना है। तो हमारा क्लिक हो चुका है। जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा, आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा और आप डायरेक्ट लाइटरूम ऐप के अंदर पहुंच जाएंगे। सो गाइस, तो हम पहुंच चुके हैं डायरेक्ट अपने लाइटरूम ऐप के अंदर। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आप देख सकते हैं और आपके सामने एडिटिंग के सारे ऑप्शन भी खुल चुके हैं। सो गाइस, तो आपको करना क्या, चलिए हम अपने पहले अपने फ़ोटो को क्रॉप की साइड रोटेट करते हैं। चलिए, हमारा फ़ोटो रोटेट हो गया। तो सबसे पहले आपको अपने फ़ोटो में लाइट एडजस्ट करना है। तो आपको लाइट एडजस्ट करने के लिए आपको आना है लाइट वाले आइकन पर, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। चलिए, यहाँ पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप लाइट वाले आइकन पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको स्क्रॉल करके आना है नीचे के साइड। नीचे के साइड आने के बाद आपको करना क्या है, आपको जो ब्लैक्स, वाइट, शेडो, हाईलाइट्स, ये तीनों का ऑप्शन को आपको प्लस माइनस की ओर करना है। तो ब्लैक्स का ऑप्शन, इसको आपको थोड़ा सा माइनस करना है, माइनस आपको 29 करके रख लेना है। देख सकते हैं हमारा 29 हो चुका है। 29 करने के बाद आपको ऊपर की साइड आना है व्हाइट वाले ऑप्शन, तो आपको व्हाइट वाले ऑप्शन को थोड़ा सा प्लस करना है, 30 करके रख लेना है। उसके बाद आना है आपको शेडो वाले ऑप्शन पर, शेडो वाले ऑप्शन को आपको 40 करके रख लेना है। जो हाईलाइट का ऑप्शन है, इसको आपको थोड़ा सा माइनस कर दीजिएगा। जो कंट्रास्ट का ऑप्शन है, इसको आपको 11 करके रख लेना है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं रुका हूँ, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद आपको करना है कि हमारे फ़ोटो में तो लाइट एडजस्ट हो चुका है, और अपने फ़ोटो का कलर ग्रेडिंग करने के लिए आपको आना है कलर्स वाले ऑप्शन पर। चलिए, हम कलर्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। जैसे आप कलर्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा, आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको करना क्या है, जो ये टेम्परेचर का ऑप्शन है, इसको आपको प्लस करना है। प्लस आपको रख लेना है 11 करके रख लेना है। देख सकते हैं मेरा 11 हो चुका है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और जो आपको नीचे वाइब्रेंस का ऑप्शन है, इसको आपको थोड़ा सा प्लस करना है, थोड़ा सा ही करना है। ज़्यादा कीजिएगा तो आपका फ़ोटो ख़राब हो जाएगा, आपको 7 करके रख लेना है। उसके बाद आपको आना है मिक्स वाले ऑप्शन, आप देख सकते हैं आपको यहाँ मिक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा, आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको स्क्रीन टोन को सही करना है। मेरा थोड़ा स्क्रीन टोन पे सेचुरेशन ज़्यादा है, तो स्क्रीन टोन को आपको सही करने के लिए आपको आना है ऑरेंज कलर पे। चलिए, हम ऑरेंज कलर पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप ऑरेंज कलर पे क्लिक कीजिएगा तो सबसे पहले आपके सामने कुछ इस तरह का ह्यू, सेचुरेशन एंड लुमिनस करके ऑप्शन खुलेगा। तो आपको करना क्या है, जो ये बीच वाला ऑप्शन है सेचुरेशन, इसको आपको थोड़ा सा माइनस करना है। देख सकते हैं हमारा फेस पर कुछ व्हाइट करके आ गया, आपको थोड़ा सा ही माइनस करना है। और उसके बाद जो लुमिनस का ऑप्शन है, आप थोड़ा सा प्लस करना है, देख ताकि अपने फेस पर लाइट आ सके। ऐसा ही करने के बाद आपके फेस पर लाइट आ जाएगा। तो आपको अगले कलर में क्या करना है, तो आपको यहाँ जाए ना येलो कलर को सिलेक्ट करना है। जैसे आप सिलेक्ट कीजिएगा, इसमें भी सेम प्रोसेस होगा, ह्यू, सेचुरेशन एंड लुमिनस। तो इसमें आपको जो ह्यू वाला ऑप्शन है, जो फर्स्ट का ऑप्शन है, इसको आपको पूरा 100 करना है, पूरा 100 करके रख लेना है, यानी पूरा 100 करके रख लेना है। देख सकते हैं मेरा 100 हो चुका है। और जो यहाँ सेचुरेशन का ऑप्शन है, इसको आपको थोड़ा सा प्लस करना है, बस थोड़ा सा ही प्लस करना है। तो फाइनली हमारा येलो कलर का काम हो चुका है। तो अब आपको आना है अगले कलर, यानी ग्रीन कलर को सिलेक्ट करना है। ग्रीन कलर को सिलेक्ट करने के बाद आपको करना क्या, जो इसका भी ह्यू है, इसको भी ह्यू को आपको -100 की ओर कर देना है, पूरा -100 कर देना है। जो इसका सेचुरेशन है, इसको आपको थोड़ा सा माइनस करना है,
18 करके रख लेना है। देख सकते हैं हमारा ह्यू -100 और सेचुरेशन -18 हो चुका है। तो आपको करना क्या है, जो ये अगले कलर है इसको कलर को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करते हैं इसको कलर को आपको माइनस की ओर कर देना है, और आपको फिर अगला कलर को सिलेक्ट करना है, ब्लू वाले कलर को सिलेक्ट करना है, इसको आपको माइनस की ओर कर देना है। बाकी जितने दो कलर बचे हैं दोनों सेचुरेशन को आपको माइनस माइनस कर देना है। चलिए हम दोनों कलर को माइनस कर देते हैं, ये भी माइनस हो चुका है, इस कलर को भी माइनस करते हैं। चलिए इस कलर को भी हम सेचुरेशन पूरा 100 माइनस कर दिए। इसके बाद अपने फ़ोटो को डन कर लेना है। तो फाइनली हमारा फ़ोटो डन हो चुका, आप देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर। देखिए हमारा फ़ोटो पहले कुछ इस प्रकार का था बिफोर में, अब आफ्टर देखिए हमारा फोटो कुछ इस प्रकार का हो चुका है। अब आपको करना क्या है, अब आपको अपने फ़ोटो में थोड़ा क्लैरिटी देने के लिए आपको यहाँ आना है इफेक्ट वाले ऑप्शन पे। चलिए इफेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो सबसे पहले जो टेक्चर का ऑप्शन है, सबसे फर्स्ट में ही टेक्चर का ऑप्शन है, इसको थोड़ा सा प्लस करना है, आपको 20 करके रख लेना है, 21 करके रख लेना है। और उसके बाद आना है आपसे डीहेज वाले ऑप्शन पे, ये जो ऑप्शन है इसको आपको थोड़ा सा प्लस करना है, 17 करके रख लेना है। देख सकते हैं हमारा 17 हो चुका है। और आपको आना है विग्नेट वाले ऑप्शन, इसको आपको थोड़ा सा माइनस की ओर कर देना है, माइनस आपको 36 करके रख लेना है। देख सकते हैं आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद आपको आना क्या, अपने फ़ोटो को थोड़ा स्मूथ करने के लिए आपको आना है डिटेल वाले ऑप्शन पे। चलिए हम डिटेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है, देख सकते हैं आप शार्पनेस का ऑप्शन है, इसको आपको थोड़ा सा प्लस करना है, थोड़ा सा यानी थोड़ा सा ही करना है, आपको 19 करके रख लेना है। उसके बाद जो डिटेल का ऑप्शन है, ये देख सकते हैं आप डिटेल का ऑप्शन है, इसको पूरा 100 कर देना है। उसके बाद आपको स्क्रॉल करके आना है सबसे नीचे की साइड, नीचे के साइड आने के बाद आपको जो कलर नोराइज रिडक्शन है ये देख सकते हैं, इसको आपको थोड़ा सा प्लस करना है, बस थोड़ा सा ही करना है, ताकि जो डिटेल स्मूथनेस का ऑप्शन ऑन हो चुके। तो फाइनली दोस्तों हमारा डिटेल स्मूथनेस का ऑप्शन ऑन हो चुका है। तो अब करना कि दोनों का आपको 100 कर देना है। सो गाइज, तो हमारा 100 हो चुका था, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं बैक कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद आना है आपको लास्ट वाले ऑप्शन पे, आपको यहाँ पर आना है ऑप्टिक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और जो दोनों ऑप्शन ऑन है इसको आपको दोनों को इनेबल कर देना है, यानी जो दोनों ऑफ है, सॉरी गलती से हो गया है, जो दोनों ऑप्शन ऑफ है आपको दोनों को ऑन कर देना है। सो गाइज, तो हमारा ऑप्शन ऑन हो चुका है। अब आपको इस फोटो को सेव करना है, इसलिए हम इस फोटो को सेव करते हैं। जैसे ही शेयर वाले आइकन पर क्लिक कीजिएगा तो आपको इन सेव कंप्यूटर डिवाइस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपका फ़ोटो गैलरी में सेव हो जाएगा। तो दोस्तों फाइनली हमारा फोटो बनकर रेडी हो चुका है, कुछ इस प्रकार डार्क ऑरेंज टोन फोटो एडिटिंग। सो गाइस, यह वीडियो आपको थोड़ी सी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो दोस्तों, जिस भाई ने यह वीडियो को पूरा देखा है उसको दिल से धन्यवाद। सो गाइज, तो आपको मिलेंगे एक और ऐसे ही न्यू वीडियो के साथ।